नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का समय सर की पाठशाला में। दोस्तों हमारा आज का विषय है जो रेलवे एनटीपीसी की बहाली निकली हुई है उसमें जो एएसएम, गुड्स गार्ड, टीसीसीसी ये अन्य बहालियों, इसके अलावा जो भी बहाली होगी सभी बहालियों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर गया हूँ, जो कि मेरे कॉमेंट्स में आते हैं ज़्यादातर प्रैक्टिस सेट ही बतावे, इसलिए मैं सेट प्रैक्टिस लेकर गया हूँ दोस्तों। और आज जो मेरे चैनल पर बिल्कुल नया है वो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मेरा लेटेस्ट अपडेट जो कुछ मैं लोड करूं वो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। और इससे ज़्यादा अगर पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं कुछ मैं पढ़ाने का पोस्ट करता हूँ तो बहुत ही कम लोग आते हैं, और जब मैं कुछ अलग सा पोस्ट करता हूँ तो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से जो पढ़ाने के लिए जो मैं पढ़ाता हूँ वो आप सब देखें तो आप लोगों के लिए बहुत ही हितकारी होगा, बेहतर होगा। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो ये पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपका रीडिंग बहुत अच्छा लगता है। चलिए रीडिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये पार्ट टू है या सेट टू है। तो इसमें लिखा हुआ है, एक फोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा उसके बेटे का पिता मेरी माता का दामाद है। तो सालू का उस महिला से क्या संबंध है, यहाँ सालू ने कहा छूट गया था, ठीक है। एक फोटो में इशारा करते महिला को करते हुए कहा, सालू ने कहा उसके बेटे का पिता मेरी माता का दामाद है। तो मेरी माता का दामाद कौन है, उसके बेटे का पिता, माना बेटा, मान लिया बी बी बेटा हो गया, बेटे का पिता एफ और फादर, फादर प्लस हो गया और यह भी प्लस हो गया, ठीक है। तो बेटे का पिता और बोला इसके बारे में कह रहा है कि मेरी माता का दामाद है। तो माता का दामाद क्या होगा, अपनी बहन का जो है पति, यानी सालू यहां पर है, सालू की माता ये हो गई, सालू की बहन ये हो गई, और दोनों को टैग करते हैं, ये हो गया सालू का बहन का पति। अगर इकलौती बेटी होती तो के नहीं होकर के ये यहीं पर हो जाता, एफ का ही पति हो जाता, लेकिन ये नहीं कर रहा है कि मेरी माँ की इकलौता दामाद, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया, अब ये इसका बेटे का पिता इसकी माँ का दामाद है, क्लियर हो गया, इतना पति पत्नी। तो उस महिला से क्या संबंध है सालू का, तो सालू का इस महिला से क्या संबंध होगा, इस महिला संबंध होगा सालू इसकी बहन है, तो सालू इसकी बहन आपको नंबर बी में है, ठीक, क्लियर। चलिए अब नंबर दो की ओर देखते हैं। तो ये दो नंबर का प्रश्न आपके सामने में है और इससे पहले था वो ब्लड रिलेशन का चैप्टर था, वो रक्त संबंध, ये है आपको डायरेक्शन से। कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा की ओर है, ये हमको बताना है। चार ऑप्शन आपने दिए गए हैं। सबसे पहले उत्तर की ओर चलता है, तो मैप में मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, उत्तर ऊपर की तरफ ऐसे चलेगा, ये आरंभिक बिंदु यहाँ पर गोल ऐसा, कितना चलता है 10 किलोमीटर। उसके बाद वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, दक्षिण फिर से नीचे हो गया, यानी इसी लकीर पर 6 किलोमीटर वापस चलता है, ठीक है। तो यहां मैं बगल में की देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो, कितना 6 चलता है, नीचे 4 लगभग, अंदाज में इतना छोड़ना होगा जो देखने में ठीक लगे, यहां तक चला, यह हुआ 6, नीचे कितना, यहां 4 से इतना गया। अब यहां से वह पूर्व की ओर जाता है 3 किलोमीटर, पूर्व इधर हो गया, इधर चला आपको ये 3 किलोमीटर चला, ठीक है। अब बोलता आरंभिक बिंदु नहीं, यहां से यहां तक वो बोलता है दूरी क्या है और दिशा क्या है। सबसे पहले बात दिशा जो है, जब भी आपको बता चुका हूं इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का, तो आप लोग अपने मन में बैठा ले ऐसे और ऐसे के बीच में क्या होगा, ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो एक तो उत्तर पूर्व यू ही निकल गया आपका आंसर, ठीक है, एक तो उत्तर पूर्व हो गया। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपका आंसर यहां निकल जा रहा है कि उत्तर पूर्व और कोई है नहीं, फिर भी संतुष्टि के लिए निकाल देते हैं। अब यहां से यहां तक दूरी है तो यह पाइथागोरस प्रमेय हो गया, तो इतना से यहां से यहां तक 10 है तो इतना 6 हो गया, स्पेस कितना बचा 4, तो एच इक्वल टू क्या हो गया 4 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा यहां से यहां तक 3 का स्क्वायर, तो एच बराबर 16 और 9 कितना होगा 25 इक्वल टू 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व, और ये आपको नंबर डी में आंसर, ठीक है। चलिए अब नंबर 3 की ओर चलते हैं।
तो चलिए तीन नंबर का प्रश्न जो के सामने में है, और यह है एक प्रतिस्पर्धा में यानी कि कंपटीशन में पांच बच्चे भाग लेते हैं, प्रत्येक को हरेक के साथ खेलना है, लिखा हुआ हुए कितने खेल खेलेंगे। तो खेलों की संख्या, खेलों की संख्या बता होगी, बस पांच है ना, फोर फाइव इंटू फोर बाय टू कर दीजिए, बीस हो गया, कितने बार में कटेगा, दस बार में हो जाएगा आपका आंसर दस, और यह आपको नंबर बी में। ठीक है, बहुत ही अच्छा आसान सा कोई है नहीं दम। चलिए नंबर चार की ओर चलते हैं। तो ये चार नंबर का प्रश्न मेरे सामने में है, इसमें लिखा हुआ है देखिए कि मशीन से इंजीनियर उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार डॉट 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 से डॉक्टर है, यानी डॉक्टर का संबंध किससे होना चाहिए, मशीन से संबंध इंजीनियर का, मशीन इंजीनियर, मशीन को इंजीनियर क्या करता है, बनाता है, संवारता है, ठीक करता है खराब हो जाए तो, इसमें डॉक्टर क्या करता है, अस्पताल बनाता है या ठीक करता है, नहीं शरीर को बनाता है या ठीक करता है, ये भी ऑप्शन में नहीं आता, हालांकि आप लोगों को सही लग रहा होगा, औषधि डॉक्टर बनाता है या ठीक करता है, बदलेंगे रोग जो है वो डॉक्टर इलाज करता है, मशीन का इलाज इंजीनियर करता है, रोग का इलाज डॉक्टर करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। आपको लग रहा है बेहद आसान सा क्वेश्चन सब बता रहे, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज इसमें करेंगे करेंगे। चलिए नंबर पांच की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये पांच नंबर का प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आप लोग को अजीब लग रहा है पांच नंबर में क्यों सर सेमेंट के रख दे रहे हैं, क्योंकि व्यूज जितना ज्यादा आएगा मैं उतना ज्यादा प्रोत्साहित हूँ, व्यूज कम आते हैं तो मैं प्रोत्साहित कम होता हूँ, फिर भी चलिए फर्स्ट टू मैं तो बता ही दे रहा हूँ, सॉरी रीजनिंग। तो ये आपको है कोडिंग डिकोडिंग से मदर को ओ एन एच यू आर टी लिखा जाता है, तो आंसर को क्या लिखा जाएगा, चार ऑप्शन उसमें दिए गए हैं, तो मदर एम ओ टी एच ई आर, इसको क्या लिखा ओ एन एच यू आर टी, ठीक आमने सामने इसको लिख देना है। अब इसमें हुआ क्या देखिए, ये यहां जैसे का तैसा ओ उतार दिया गया है और एम के बाद यहां पर प्लस वन हो गया है, फिर पर एच को यहां जैसे का तैसा उतार दिया गया या टी यहां का प्लस वन हो गया है टी यू, या फिर ये बीस ये इक्कीस, फिर आर को यहां पर जस का तस और ये हो गया आपको, सॉरी यहां पर ही गलत है, यहां पर एफ हो जाएगा और यहां हो जाएगा एफ, तो ये हो गया प्लस वन, बिकॉज आंसर को लिखेंगे ए एन एस डब्ल्यू ई आर, तो इसको बस वही करना है, इधर एन हो जाएगा, यहाँ W हो जाएगा, यहाँ R हो जाएगा, ये प्लस वन यहाँ हो जाएगा B, ये प्लस वन ये हो जाएगा आपको S, हो जाएगा T, ये प्लस वन यहाँ हो जाएगा F, क्या हो गया N B W T R F, तो N B W T R F आपको नंबर डी में है। होपिंग दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट जो भी हो आप लोग तक पहुंच सके, और यदि और भी अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तब तक लेते हैं विदा, जय हिंद, वंदे मातरम।